पाली जिले के सुमेरपुर में शुक्रवार को शहर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया टाउन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा के फेलोशिप कैंप और प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार ही आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। वहीं इस कार्यक्रम में सुमेरपुर विधायक और कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत समेत सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। किसान की जो मूल लागत है उसमें वो भी नहीं आती, तो मोदी जी ने और भजनलाल जी की सरकार ने निर्णय लिया कि उसका जो समर्थन मूल्य है बढ़ाया जाए। तो 2275 रुपया पहले समर्थन मूल्य था, अब उन्होंने 125 रुपये से बढ़ा करके उसे 2400 कर दिया है। अब इस साल जो गेहूं खरीद करेगी सरकार, उसे 2400 रुपए में खरीद करेगी और आने वाले चुनाव में उसको, आने वाले समय में उसको और बढ़ाएंगे और लास्ट में जाकर के इसको 2700 रुपए, जो घोषणा हमारी 2700 रुपए में हमारी सरकार है गेहूं का खरीद करेगी। इस तरह से जो गरीब परिवार के जो है, जिनको पेंशन मिलती है 1000 रुपया, जिनको पेंशन मिलती है उसका बढ़ा करके 1150 रुपए करने का निर्णय लिया है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की थी, वो सिलेंडर 450 रुपए में देना चालू भी कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे निर्णय लिए देवस्थान विभाग का। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में सुमेरपुर से मुझे जिता करके भेजा विधानसभा में, और मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, भजनलाल जी को, कि उन्होंने सुमेरपुर को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया।